यार दोस्तों, आइए बैंक निफ्टी की भी चर्चा कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और यही रहेगा कल्प्रेट मार्केट को गिराने का, अगर मार्केट गिरता है तो। ठीक है, थोड़ा सा एक बार हम अगर हम पीछे जाके देखें, ये जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन खींची हुई है, गेम जो है इसी के आसपास चल रहा है। ये था दोस्तों प्रीवियस वीक जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, वहाँ का सीन सिनेरियो ये था। कितना? 44,100 का इसके आसपास का हाई था। और जो इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला था लेवल का, वो देखने को मिला था 43,600। ये भी लेवल वही है, 43,600, देन अगेन सेम एरिया में रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। और जब बैंक निफ्टी ऐसे बिहेव करने लग जाए ना, ये तो समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला, वो गिरने ही वाला है। और जब वो ऐसे चले, ये तरीके से चले, तो समझ लीजिए तेजी है। पर जब वो ऐसे चले, ठीक है, यूं 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 यूं, समझ लीजिए कहानी जो है ख़त्म होने वाली है। ठीक है, ये हर किसी चार्ट पैटर्न में यही है। ये इसको कहते हैं अपर लेवल पे जाके सस्टेन होना। ठीक है, और एक तरीका होता है ऊपर जाने का, ये फिर ब्रेकआउट देके उसके बाद भी ऐसे ऐसे से, जो कि मार्केट में फिलहाल चल रहा है। अभी पीछे की वीडियो में वो ही बता के हटा हूं मैं। तो ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस है 43,600, अब ये मार्केट में कर क्या रहा है पिछले 20-25 दिनों से? सपोर्ट दे रहा है, पहले रेजिस्टेंस देता था, है ना। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 दिन हो गए इसको 43,600 क्रॉस किए हुए। कहाँ पर है आज की डेट में? 43,937 के आसपास है। तो और अगर आप, ये मंगलवार का दिन था ना, पता नहीं कुंडली में दोष था, जिस दिन में बेयरिश होना शुरू हुआ था मंगलवार का दिन था, 42,800 का लेवल था। कौन सी तारीख थी? 5 5, यही यही कहीं था। ठीक है, 6 7 मई के आसपास, 6 7 मई क्या, ये था शायद, 2 तारीख थी, हाँ है ना। चलिए, तो आप अगर इस पूरे उसमें बैंक निफ्टी को देखेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से। आपको याद होगा एक टाइम पे निफ्टी आईटी 34-35 हज़ार इंडेक्स जो है, ठीक है, इस पे आसपास चल रहा था। खोले गया निफ्टी आईटी का चार्ट, डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाएगा पर चीज़ें आपको शायद समझ में आए। यहाँ पे आएगा निफ्टी आईटी, आ गया, आ गया। तब भी मैंने बहुत नीचे के टारगेट दिए थे निफ्टी आईटी के, टीसीएस के, विप्रो के, उसी टाइप से भाई मैं बैंक निफ्टी के नीचे के टारगेट दे रहा हूं। वहां गिरावट नहीं हो रही है वो, पर होगी कितने 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 दिन तक नहीं होगी, देखते हैं। अरे नई विंडो क्यों खुल हुई? अरे नहीं चाहिए यार।
ये देखिए, ये था इसका टॉप, 39,000 तक था भाई। ठीक है, 39, 30% डाउन है, 30% मानना पड़ेगा। और आप इसका अगर बुल रन देखेंगे तो अंधों की तरह भागा था, इसका तो गिरना बिल्कुल लाजमी था। दो दो साल चला ये, लगभग पूरे 2 साल का एक अच्छा खासा बुल रन था यहाँ। ठीक है, और जब ये यहाँ था, TCS था 4,000, इन्फोसिस था 1,900, HCL टेक था 1,500, टेक महिंद्रा भी 1,400 के आसपास, विप्रो 650 के आसपास। ठीक है, और जो दूसरे हैं जैसे LTI, कोफोर्ज, ठीक है, माइंडट्री, अब तो वो इसके साथ ही हो गया है, ये सब भी टॉप टॉप पे थे। LTTS सारे जबरदस्त टॉप टॉप पे थे। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे ये यहाँ पे इसको खींच के रखा, फिर एक रैली गई, फिर खींच के रखा, अल्टीमेटली इसने डाउनफॉल दिया। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये तो निफ्टी का खुल गया, ये है बैंक निफ्टी। इसकी भी कहानी खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, देखिए ये यहाँ से चला तो ये तो है तेजी। अब जब इसने ऊपर जाके फिर ये वाला काम करना चालू कर दिया ना, बढ़िया गिरावट आई इसमें, लगभग कितनी कह लीजिए आप, 6,000 पॉइंट की, 5 से 6,000। फिर इसने वही काम करना चालू कर दिया, अरे ब्रेकआउट दिया है तो, है ना, वीकली चार्ट पे आप ब्रेकआउट दे के बैठे हुए हो। ये रहा, वीकली चार्ट पे आप एक कन्विंसिंगली ब्रेकआउट दे के बैठे हो, पर आप तेजी नहीं कर रहे हो। पूरा 1 महीना हो गया है, मेरा मई, पूरे मई के 4 हफ्ते, जून चालू हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द बढ़िया बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिलेंगी और ये लो भी टूटेगा। जैसे निफ्टी आईटी का हशर हुआ है, आपको बैंकिंग स्टॉक 10-10, 15-15, 20-20% नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो क्या मैं बता बता के आपको थक चुका हूँ, और फिर भी मुझे चार्ट पे यही दिख रहा है, मुझे कुछ चार्ट पे और कुछ दिख नहीं रहा, ये कोई कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये कभी भी टूट जाएगा और बढ़िया गिरावट देगा नीचे, किसी भी दिन टूट जाएगा। तो मेन जो लेवल है नीचे की तरफ वो है, सॉरी, कितना है, 4,360, क्लोजिंग बेसिस जिस दिन ये टूटेगा 42,553, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है 42,200 से 42,300, और तीसरा टारगेट है 41,000, क्योंकि ब्रेक यहीं पे लगेंगे, इस जोन के अंदर ही ब्रेक लगेंगे, या थोड़ा सा आप इसको 41,750 तक ले लीजिए। इससे पहले ब्रेक लगने नहीं वाले जब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है 43,600 के नीचे, भयंकर तरीके से गिरने की कोशिश करेगा। अब जैसे कि गैप अप है भाई डाउ में, तो ऊपर खुलेगा मार्केट, अगर ये ऊपर खुलता है तो कहानी जो है थोड़ी सी और। देखिए, मैं कोई एक तरफा होके आपको बिल्कुल ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप ठोक ही दो, ठीक है, ठोकने के लिए रुक जाना, अगर ये लेवल के ऊपर 43,350 इसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है, होल्ड करने का मतलब 15-20 मिनट रुक जाता है, तो फिर ये जो कहानी है थोड़ी सी आपको इस वाले लेवल तक जाती हुई दिखेगी।
ये लेवल है 44800। ठीक है, 44800, यहाँ पे 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का सॉरी, मतलब 45055, ये लेवल का एसएल लेके ताकत के साथ शॉट मारना है, ताकत के साथ शॉट मारना है। जुलाई अगस्त की कोई मतलब पुट लेके 4000 से 5000 पॉइंट की गिरावट के लिए, 4000 से 5000 पॉइंट की गिरावट के लिए 4480 के आसपास। ठीक है, पर उसकी कंडीशन यही है कि 43350 के ऊपर होल्ड होना चाहिए, 15 से 20 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करता है बट नीचे आके 43350 को फिर से तोड़ देता है, तो भाई इस ये 400-500 पॉइंट की बाइंग के लिए ऐसे ले लीजिएगा, तेजी नहीं है फिर मार्केट में मंदी है। और ये लेवल मैं आपको तब बता रहा हूँ जब ये गैप अप होके खुलेगा। ठीक है, मान लीजिए 4420 के ऊपर खुलता है, कहीं पे खुलता है, तो वेट करिए 44350 को क्रॉस होने दीजिए। इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए, इसके ऊपर होल्ड देखिए, ये इसके ऊपर जाएगा तो एक बार जा सकता है, बड़ी तेजी नहीं है, रो पिट की ही तेजी करेगा ये, पर आपको 4480 तक मंडे ओब्लिक ट्यूसडे तक पहुंचा देगा अगर 44350 को होल्ड कर लेता है। नहीं होल्ड करता तो राम नाम सत्य है, नीचे की तरफ आएगा, सेल साइड में ही रहना है और वेट करिए जो नीचे की तरफ टारगेट आने हैं। किसी की 50-50, 60-60 की भी कोई पुट है ना दूर की, मान लीजिए 42, ये 400-400, 500-500 होने का दम रखती है बैंक निफ्टी में, वो सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, अब इसको ना कोई टिप मत समझ लीजिएगा, जुआ मत समझ लीजिएगा, ऐसा पहले हिस्ट्री में हुआ है और दोबारा भी हो सकता है, मैं सिर्फ वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंडीशन क्या है, 43600 के नीचे की क्लोजिंग, जैसे ही ये क्लोजिंग मिलेगी ये सारे प्रीमियम आपको ऐसे शूट अप करते हुए देखेंगे, 5x 10x तक जा सकते हैं। जो जून के ही पुट आपकी 41,000 की पुट, 42,000 की पुट जून मंथ की, जिस दिन हमको इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, विक्स भी आपका दबा के ऊपर भागेगा। देखिए विक्स जैसे ही 15 पहुंचेगा, तो अगर आपकी 60 की पुट है तो वो 90 के आसपास पहुंच जाएगी और अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे के प्राइस उसको ऊपर बढ़ाएंगे, वो अपने आप 120-125 आपको, तो ऐसी मतलब विक्स में जो तेजी आने वाली है ना, वो पुट के प्रीमियम को ऐसा शूट अप करेगी, कॉल के प्रीमियम नहीं शूट अप होने वाले। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा रो पिट के ही ऊपर जाएगा, आपके टारगेट भी आएंगे, आपका ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा, इतना पैसा नहीं बनने वाला आपका ऑप्शन में, ये लिख के ले लीजिए आप। कोई अगर बोले कि मेरा तो टारगेट था कितना, 44,500 का, मैं तो पोजिशनल बाई में बैठा हुआ था, तो ये रहा भैया यहाँ पे 4360 का, जब इसने ऊपर की तरह पूरा 20 दिन लगे हैं इसको, 20 दिन लगे हैं इसको ये 800 से 900 पॉइंट की तेजी करने में, आपने ब्रेकआउट के ऊपर बाई किया ना 4300, 20 दिन 4450 आने में। ठीक है, तो यही है दोस्तों बैंक निफ्टी की कहानी, लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, पैटर्न में कहीं से मुझे तेजी नहीं दिख रही है, इसको अगर इनको एक्सटेंड करना है तो और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, 4480 तक ले जा सकते हैं, बट वो बहुत अति हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हद हो जाएगी, अल्टीमेटली इसका ब्रेकडाउन ही आना है। ठीक है, तो तेजी के लिए इंट्राडे तेजी करनी है 44350, इसके ऊपर 15 से 20 मिनट रुकने दीजिए, 4420 क्रॉस कर जाता है वहाँ पे बाय कर लीजिए, इसको ऐसे लगा लीजिएगा, पर इसके ऊपर रुकने दीजिए। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके ऊपर होल्ड करके 15 मिनट दोबारा से इस लेवल को नीचे की तरफ काट देता है, ऐसा करता है तो फिर यही गेम बन रहा है, कोई फिर बड़ी तेजी नहीं होने वाली, फिर ये नीचे की तरफ ही आएगा, दोबारा से 4360 की तरफ आएगा, जैसे कि आपको कितनी कैंडल में यहाँ पे दिख रहा होगा,
बस देखना है कि ये ब्रेक करता है कि नहीं, और जब बार बार टच करेगा तो मतलब ब्रेक करना चाह रहा है। बहुत नाटक हो चुका है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बकरे की अम्मा ज़्यादा दिन तक खैर नहीं बनाएगी। जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा आपको पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी क्या चीज़ है। खुला सांड, नीचे सेल साइड रहने के लिए 43940, ये ब्रेक होता है 4400 का एसएल लगाइए, ये वाला 44,000 का टारगेट ये है 43700 4360, मार्केट की रेंज ही यही है, इसमें आपको यही करना पड़ेगा बस। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच, इतना ही है बैंक निफ्टी में।